हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ गाइस, रेडमी 9 एक्टिव फ़ोन के बारे में। एंड इसके अपना टॉपिक होने वाला है गाइस, वॉइस नोटिफिकेशन आइकॉन के बारे में अपन बात करेंगे। अगर गाइस आपके फ़ोन में अगर 100 नोटिफिकेशन आइकॉन शो नहीं हो रहा है, यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन अगर आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहे हैं, तो गाइस फिर किस प्रकार से आप सेटिंग ऑन करके अपने डिवाइस में शो कर सकते हैं नोटिफिकेशन आइकॉन को, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस आज के वीडियो में। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सिंपली आपको देखिए गाइस सेटिंग को ओपन करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए गाइस ऑप्शन मिल चुका है स्टेटस बार का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे शो नोटिफिकेशन आइकॉन का ऑप्शन मिल चुका है। अगर इसको बंद कर दूंगा गाइस तो मेरे फ़ोन में देखिए शो नोटिफिकेशन आइकॉन बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो देखिए मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आइकॉन शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा, अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको आइकॉन के जरिए पता चल जाएगा कि हाँ मेरे फ़ोन में अब नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर कॉल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी चीज़ों में काम करता है गाइस ये। तो अगर सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।